लौटना है मुझे
मेरा यीशु का कितना
करो, जोर से करो, उसकी आराधना अपने पूरे जोर से करो, उसकी सिंधाई अपने पूरी जोर से करो। परमेश्वर की महिमा करने के लिए आत्मा की ताकत, रूह की ताकत, अंदर की ताकत, तुम्हारे स्पिरिट की ताकत से दराता करो। सब दिन प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते हो, उसकी आवाज के साथ, उसकी आवाज के साथ प्रार्थना करते हो। मैंने कहा जोर लगे, लेकिन हाथ को हिला के ऊंची आवाज के साथ हालेलुया, दोनों हाथों को हिला के ऊंची ऊंची आवाज के साथ करते हुए परमेश्वर का। नहीं ये छोटा है, तूने इनके लिए जान दी और इतना धन्यवाद नहीं कर सकते। शोर लगा के धन्यवाद करो, उसने क्रूस पे जान दे दी तेरी शिफा के लिए, वो कुचला गया, तेरे रोगों को उसने कोड़े खा के सह लिया। हाथ को उठा के, हाथ को उठा के, मन को शांत करो, आंखों को बंद करो, देखो वो तुम्हारे पास खड़ा है। मैंने कहा अपने मन को शांत करो, कुछ मत बोलो, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, आपके जीवन में बदलाव जरूरी है। अगर ये बदलाव आएंगे तो उसकी सिद्ध इच्छा को आप समझ सकोगे। क्रूस भारी था जो यीशु ने उठाया है, वो कोड़े चमड़ी को उखाड़ के लेके आ रहे थे जो उसने 39 कोड़े खाए तुम्हारे लिए। उसका दर्द आप नहीं समझ सकते। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके जैसे हो जाओ, परमेश्वर चाहता है तुम उसके जैसे बनो। आज इस बात को समझ लो, समझ लो, इस बात को सुन लो ध्यान से। अगर तुम्हारा जीवन परमेश्वर के अनुरूप नहीं चल रहा है, परमेश्वर खुश नहीं है। और फिर भी परमेश्वर अगर आपको बरकत दे रहा है, आप सोचो मुझे बरकत मिल रही है इसका मतलब परमेश्वर मुझसे खुश है, जरूरी नहीं है। हो सकता बरकत आपको इसलिए मिली हो कि आपने बीज बोए हो, हो सकता बरकत इसलिए मिली हो कि परमेश्वर ने आप पर दया करी, लेकिन क्या परमेश्वर के अनुसार आपका जीवन है? बाइबल बताती है मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। सुनो, सुनो, आमीन बोलने में जल्दबाजी मत करो, तुम सुन लो कि परमेश्वर तुम्हें क्या बनाना चाहता है। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालो, चलाओ।
परमेश्वर मांग रहा है किसी से कुछ, लेकिन वो देना नहीं चाहता। परमेश्वर हाथ फैला रहा है किसी के सामने, लेकिन वो देना नहीं चाहता। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इनके लिए, खुदावन इनके हृदय पिघल जाए परमेश्वर, इनके हृदय पिघल जाए परमेश्वर तेरे सामने। ओ जीसस, का मन बदल जाए परमेश्वर, जो कठोर है परमेश्वर, जो तेरी इच्छा से भाग रहे हैं परमेश्वर, आगे रास्ते बंद है परमेश्वर, फाटक बंद है परमेश्वर, आगे बाहरी गहरे खड्डे हैं परमेश्वर, खाइयां हैं, अंधकार के कुएं हैं, उन लोगों को बचा। मेरी प्रेयर है आज उन लोगों के लिए जो गलत रास्ते पे हैं, मेरी प्रेयर आज उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के ठीक विपरीत उल्टे खड़े हैं और फिर परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। तुम्हारे मुंह में तंबाकू, तुम्हारी जुबान पे झूठ, तुम्हारी आत्मा में कपट, तुम्हारी आंखों में व्यभिचार, तुम्हारा मन परमेश्वर के काम से काम चोरी करता हुआ भाग रहा है, तुम्हारी जुबान पे कुड़कुड़ाना, यीशु ऐसा नहीं था, यीशु ऐसा नहीं था और ना यीशु ऐसा है। मरियम ने जिसको जन्म दिया वो ऐसा नहीं। तुम किसकी संतान हो फिर जो तुम ऐसे हो? कौन है तुम्हारा बाप जिसकी शिक्षा पर तुम ऐसे चल रहे हो? बाइबल में लिखा है वो तो झूठ का पिता है। शुरुआत से झूठ बोलता है, प्रभु के बेटे बेटियों तौबा करो, जैसे तुम हो वैसा यीशु नहीं है, इसीलिए दुखी हो, इसीलिए परेशान हो, इसीलिए सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं और सब कुछ पाने की इच्छा रखते हो फिर भी कुछ नहीं। तौबा तौबा, देख नहीं सकता कोई उदा जलाल, कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं देख पाएगा उसका जलाल अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हो। बस तौबा करो, यीशु मसीह मुझे क्षमा कर परमेश्वर, मेरी खताओं को क्षमा कर दे परमेश्वर, मैं ठीक उल्टा खड़ा हूं परमेश्वर, वचन के ठीक उल्टा, मुझे सीधा कर दे परमेश्वर, उस रास्ते की मत भागो जो रास्ते आगे जाके बंद हो जाते हैं, उन लोगों का साथ मत रखो जो खुद नष्ट हो चुके हैं। बाइबल में लिखा है तुम आग से झपट के लोगों को बचाने वाले बनो, लेकिन तुम खुद परमेश्वर के वचन को तोड़ कर अगर आगे बढ़ोगे तो इसका मतलब तुम अपने आप को जला रहे हो। आज परमेश्वर को कहो कि मुझे अपने जैसा बना परमेश्वर, करो प्रार्थना परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तुम पर दया करे। मुझे बहुत लोग रोते भी लगते दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे बड़े कठोर दिख रहे हैं। रास्ता के जाओ कि प्रभु तुम्हारे घरों पर दया कर सके, तुम्हारे जीवनों पर दया कर सके और उसकी सिद्ध इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी हो सके। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, उठा के प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और अपने आप से पूछो क्या यीशु मेरे जैसा है या मैं यीशु के जैसा हूं? तुम्हें रोना आएगा, धिक्कारोगे तुम अपने जीवन को।
प्रभु यीशु तू मुझे अपने अपने हाथ को उठाकर हिलाकर प्रभु यीशु तू मुझे अपने सा बना सुना नहीं तुम्हें प्रभु यीशु तू मुझे अपने सा बना प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना कर प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना तेरी तरह चल सकूं तेरी तरह मुझे बताओ जब तुम अपने जीवन को हर रोज जीते हो तो जब जो जो काम तुम करते हो क्या तुम्हें लगता है कि यीशु ऐसे करता है? जब तुम अपना चेहरा आईने में देखते हो क्या तुम्हें लगता है कि यीशु तुम्हें दिख रहा है उसमें? प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना यीशु तू मुझे अपने जैसा बना तेरी तरह चल सकूं तेरी तरह दिख सकूं झूमते हुए तेरी तरह नहीं ये प्रार्थना तेरी तरह दिख सकूं तेरे वचन पढ़ते तेरी आवाज सुनूं तेरे वचन पढ़ते छोटी भेटी तरह तेरे पीछे चलूं छोटी भेटी तरह तेरे तेरी तरह
चल सकूं तेरी तरह। कोई बोले देख सकूं। तारीफ कीजिए प्रभु यीशु की। हालेलुया, तारीफ छोटी ना होती है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में, सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पाने के लिए, कोई बोले सिद्ध इच्छा। देखो एक इच्छा होती है परमेश्वर की और एक इच्छा होती है आपकी। अपने पड़ोसी को एक बात बोले एक बार। एक इच्छा वो जो आपकी है और एक इच्छा वो जो परमेश्वर की है। समझ आ रही मेरी बात? आ रही है कि नहीं आ रही है? और दोनों बातें एक दूसरे के ठीक विपरीत है। एक पूर्व है, एक पश्चिम, एक आसमान है, एक जमीन है। या यूं कह लो एक स्वर्ग है, एक अधोलोक है। समझ आ रही मेरी बात? आ रही है कि नहीं आ रही है? ये ऐसी जगह नहीं जहां आप केवल चंगे होके जाओ, ये एक ऐसी जगह है जहां आप बंदे बन के जाओ, रब के बंदे। एक ऐसा इंसान जो परमेश्वर का है। मैं अपने हर प्रचार में यही कोशिश करता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करे और ऐसी बात करे कि आपका जीवन बदलता जाए, चेंज हो जाए पूरी तरह परमेश्वर जी के नाम। तो दो बातें मैं बताई आपको, दो इच्छाएं होती हैं। एक इच्छा परमेश्वर जो आपके लिए रखता है और एक इच्छा वो जो आप अपने जीवन में अपने प्रति रखते हो। परमेश्वर की इच्छा सिद्ध होती है। कोई बोले सिद्ध इच्छा। अंग्रेजी में उसे बोलते हैं परफेक्ट विल, सिद्ध इच्छा। परमेश्वर आपको सिद्ध बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सिद्ध बनाया। किस प्रकार? किस प्रकार सिद्ध बनाया? अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सिद्ध बनाया। और वो सिद्ध परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को सिद्ध करने के लिए क्या करा? क्रूस पर क्या कर दिया? मार दिया, मरने के लिए दे दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा करा। ये दोनों चीजें, इधर से प्रभु का क्रूस पे मरना और उधर से प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर पिता के द्वारा जिंदा हो जाना, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करता है। आप कहें इसमें क्या सिद्ध इच्छा हुई? इसमें यह सिद्ध इच्छा हुई, यीशु मसीह क्रूस पे मरा, यानी कि आपका और मेरा पापों का दाम क्या है? यीशु मसीह ने चुका दिया, पापों का दाम चुका दिया, उद्धार का रास्ता खोल दिया, मुर्दों में से यीशु मसीह जिंदा हो गया। बोले इसमें क्या परमेश्वर की इच्छा? इसमें परमेश्वर की इच्छा ये कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, यानी कि उसने मौत पर जय पा ली। इसका मतलब यह है उसने अधोलोक का ताला तोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि उसने ये दिखा दिया जैसे मैं मर के जिंदा हुआ, अगर तुम मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ उस उद्धार को पा लेते हो तो तुम भी इस मृत्यु के बाद अनंत काल के जीवन को पाओगे। आमीन। छोटा ना रहे। परमेश्वर की इच्छा सिद्ध होती है। अपने पड़ोसी को एक बार बोले, दो पड़ोसियों को बोले, परमेश्वर की इच्छा क्या होती है? सिद्ध होती है। सिद्ध यानी कि सिद्ध इच्छा में क्या होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा सोच रहे हो? नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। सिद्ध इच्छा का मतलब यह है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का मतलब यह कि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी होगी।
परमेश्वर ने आपको एक पात्र बनाया, परमेश्वर ने आपको एक मनुष्य बनाया, परमेश्वर की योजना है आपके लिए, परमेश्वर कुछ करना चाहता है आपके लिए। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहता है? कुछ करना चाहता है। लेकिन इसमें परमेश्वर का दुश्मन बन जाता है परमेश्वर का बनाया हुआ मनुष्य। कौन बन जाता है? परमेश्वर का बनाया हुआ मनुष्य क्या हो जाता है? वही परमेश्वर का शत्रु बन जाता है। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलोगे तो परमेश्वर आपके लिए उन सब चीजों को भेजेगा, उन सब चीजों को भेजेगा, चाहे वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ धन, चाहे परमेश्वर की ओर से भेजे हुए लोग, चाहे परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक फेवर। जब आप परमेश्वर की इच्छा में होंगे तो आप मनुष्य के फेवर को देखेंगे। आपको नहीं समझ में आ रही? फेवर का मतलब अनुग्रह। जहां परमेश्वर की इच्छा में आपको चलना है वहां आप मनुष्य के अनुग्रह को देखेंगे, मनुष्य अपने आप आपकी ओर दौड़ेंगे आपकी मदद करने के लिए। जो चीज मैंने बताई मनुष्य आपकी ओर दौड़ेंगे वो चीज एक अगले लेवल की है। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले मनुष्य आपका विरोध करेगा। आपको नहीं आ रही? आ रही आपको? आ रही तो एक हाथ हिला के दिखाना, नहीं आ रही तो नीचे रखना, मैं अच्छे से बताऊंगा। वेरी गुड, अभी ध्यान से सुना। कुछ लोगों ने हिलाया, कुछ ने नहीं हिलाया। परमेश्वर की इच्छा जब आपके जीवन में पूरी होनी होती है, एक दो लेवल को मैं दिखाता हूं आपको। एक पहला लेवल वो जब मनुष्य आपके विरोध में खड़े हो गए। मनुष्य क्या हो गए? आपके विरोध में खड़े हो गए और आप अकेले पड़ गए। आप कह जी अब मैं क्या करूं, मैं तो अकेला पड़ गया, मनुष्य मेरे विरोध में खड़े। लेकिन आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए, ये चीज अगर आपके दिमाग में आपके स्पिरिट में है कि मैं प्रभु की इच्छा में हूं, आप अकेले भी होंगे तो भी आपको ये नहीं लगेगा आप अकेले हो। इवन परमेश्वर आपके शत्रुओं को छोटा बनाएगा। आपको नहीं समझ में आ रही मेरी बात? आपके शत्रु आपसे छोटे होते जाएंगे। इवन जो लोग आपसे बड़े हैं उनका कद आपके सामने डाउन जाएगा। मेरी बात सुनो ध्यान से। जब मैं 9 साल पहले परमेश्वर के काम को मैंने शुरू किया, मैं अकेला था या अकेला पड़ गया था। सुनो मेरी बात ध्यान से। और मैंने चारों तरफ से लोगों को अपना विरोधी बनता देखा। अगर पर एक साधारण व्यक्ति को यदि कहे हो नहीं मेरा ये भी विरोध कर रहा है, ये भी विरोध कर रहा है, ये भी विरोध कर रहा है, तो क्या करेगा? वो हाथ पैर जोड़ लेगा, खत्म बात। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं उसके ठीक विपरीत चला। इस बात को समझ के कि जो मैं कर रहा हूं वो परमेश्वर की इच्छा है। मेरा उद्देश्य केवल मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि मैं अपने आप को तैयार करूं या अपने लिए कुछ रखूं या अपने लिए कुछ पाऊं या अपने घर के लिए कुछ बनाऊं या किसी के लिए और कुछ करूं या उसको खुश करूं इसको खुश करूं, नहीं। एक माइंड में मेरे बात थी कि मुझे परमेश्वर के काम को करना है। वो आत्माएं परमेश्वर जो तूने मेरे लिए रखी है उनको बचाना है। लोग मेरा विरोध किस चीज में कर रहे थे? कई बार हमारे लिए जो सही बंदे हैं उनको हम अपना विरोधी समझते हैं। इस बात में भी मिलावट मत होने देना, ध्यान से सुनना। सुन रहे मेरी बात? कई बार हमारे लिए जो सही लोग होते हैं हम उनको अपना विरोधी समझ के उनसे दूर भागते हैं। उनसे दूर भागने का मतलब यह है हम परमेश्वर की इच्छा से दूर भाग रहे हैं। तो जब लोग मेरे विरोध में आए, मुझे एक बात बताती कि मेरा लोग मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। अब कोई सही व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से अगर आपका विरोध करे
आपके नहीं तो मेरा विरोध कर रहा है। मैंने आज प्रचार में सुना था, जो मेरा विरोध करेगा वो मेरा वो उस पर मैं जय पा लूंगा। नहीं, आपका विरोध कोई क्यों कर रहा है? आज उस समय जब मेरा विरोध हुआ, जब लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मैंने ठंडे दिमाग से एक बात को सोचा, ये विरोध क्यों कर रहे हैं भाई मेरा, ये विरोध क्यों कर रहे हैं मेरा। तो मुझे अपनी स्पिरिट से अंदर से आवाज आई, ये तेरा विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तू परमेश्वर के काम को कर रहा है। अगर परमेश्वर के काम को करने पर आपका विरोध हो रहा है तो इसका मतलब विरोधी गलत है, आप सही हो। अगर आपका विरोधी बच्चा है कोई भी हो, और सुनो मेरी बात, परमेश्वर का काम करने का मतलब वो भी एक दर्शन के हिसाब से होता है। वो भी क्या होता है? एक दर्शन होता है, परमेश्वर अपनी इच्छा से बढ़ता है। आप आज का प्रचार अगर सुनोगे तो मैं कह रहा हूं आपको कोई नहीं रोक सकता परमेश्वर के काम करने से, और विशेषकर परमेश्वर की इच्छा को अपने लिए जानने के लिए। आज का प्रचार आपके लिए बहुत जबरदस्त बनने वाला है। तो मैं बैठ के सोचा, मैं प्रभु ये लोग मेरा क्या कर रहे हैं, ये लोग तो मेरा क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और जब ये विरोध कर रहे हैं, मेरे मन में ये हो सकता है कि ये मेरे फायदेमंद में हो, हो सकता है ये सही हो मैं गलत हूं। मैं अपने मन में ये चीज सोच रहा तो मेरी स्पिरिट में ये आवाज आई, विरोध क्यों हो रहा है, विरोध क्यों हो रहा है। तब मेरी आत्मा में मुझे इस बात का भी उत्तर मिला, विरोध इसलिए हो रहा है, किन बातों के लिए हो रहा है, कि परमेश्वर के काम को करने के लिए विरोध हो रहा है। और अगर प्रभु के काम को करने के लिए विरोध हो रहा है तो जिसका विरोध हो रहा है वो 100% सही है, वो गलत नहीं हो सकता। वो व्यक्ति क्या होएगा, गलत नहीं हो सकता अगर परमेश्वर के काम को करने की वजह से आपका विरोध हो रहा है। हाँ, परमेश्वर का काम कैसे करना है, अच्छे से करना है, कौन से तरीके से करना है, ये सब चीजें एक अलग अलग टॉपिक है कि जिन लोगों के आप अधीन हैं, जिन लोगों से आप सीख रहे हैं, वो लोग आपको बताएं किस प्रकार करना है। तो परमेश्वर की इच्छा सिद्ध है, और जब 9 साल पहले मैं परमेश्वर की इच्छा में पहला कदम मैंने रखा, अनेक गलतियां करते हुए बोले आमीन, अनेक गलतियां करते हुए जब परमेश्वर की इच्छा में कदम रखा, मैं कह रहा हूं वो बड़ा जबरदस्त है। जब आप परमेश्वर की इच्छा में कदम पहला कदम रखते हो, परमेश्वर स्वर्ग में सीटियां बजती है, मैं बता रहा हूं स्वर्ग में तालियां बजती है कि कोई तो एक व्यक्ति तो निकल के आया कि वो परमेश्वर के काम कर सके। परमेश्वर हाथ फैला रहा है और यशा कह रहा है कि कौन खड़ा होगा मेरे लिए, कौन खड़ा होएगा। यशाया नबी कह रहा है, Here I am Lord, मैं हूं परमेश्वर, मुझे भेज। परमेश्वर कह रहा है किसको भेजूं, परमेश्वर यशाया कहता है मुझे भेज दे। यीशु मसीह को क्रूस पे मरना पड़ा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। अब्राहम को परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए अपना इकलौता बेटा बलि के लिए देना पड़ा, हालांकि परमेश्वर ने उसके बेटे को बचा लिया, मरने नहीं दिया। पौलुस ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए सैकड़ों बार अपने आप को मृत्यु में डाला, सैकड़ों बार। परमेश्वर के बेटे बेटियों, अगर आप परमेश्वर के काम के लिए अपना खून और अपना पसीना नहीं बहा सकते, और एक विश्वासी के तौर पे भी मैं कह रहा हूं आप किसी योग्य नहीं है। परमेश्वर की इच्छा एक जबरदस्त सेक्रीफाइस है, एक त्याग है, त्याग है। ये शब्द तो आप बड़े अच्छे से समझ जाओगे, एक तपस्या है। परमेश्वर की सेवा एक तपस्या है, विश्वासी का होना भी एक तपस्या है। एक सिंपल विश्वासी चर्च में जो आता है, प्रार्थना अटेंड करता है, चला जाता है, फिर अगले इतवार आता है, वो भी एक तपस्या है, क्योंकि आपको हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा।
आपको अपने दिल को डांटना होगा, आपको अपने मन को डांटना होगा, आपको अपने शरीर को मारना होगा, कूदना होगा। भागे ना कहीं, भागे ना परमेश्वर की इच्छा से। आपका शरीर आपको भगाएगा परमेश्वर की इच्छा से, आपका शरीर आपको परमेश्वर के लिए काम करने से रोकेगा, आपका शरीर आपको परमेश्वर के लिए मेहनत करने से रोकेगा, आपका शरीर आपको काम चोरी कराएगा, प्रार्थना नहीं करने देगा, बाइबल नहीं सुनने देगा, नहीं पढ़ने देगा, सेवा नहीं करने देगा चर्च में, बीज नहीं बोने देगा आपको। शरीर है ये, शरीर बिल्कुल ठीक आपके विपरीत, आपके उल्टा काम करेगा, ठीक उल्टा काम करेगा, बिल्कुल उल्टा, अपोजिट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आसमान अधोलोक। परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग है, हमारे शरीर की इच्छा नरक है। शरीर किससे बना है? हेलो, किससे बना है? शरीर को पता है, शरीर को पता है तुम्हारा शरीर किससे बना है, और उसे अपना भविष्य पता है। आप सुन रहे हो मेरी बात? सीक्रेट बता रहा हूं आपको, सीक्रेट भेद की बातें। आपके शरीर को पता है उसका भविष्य कहां है, शरीर के साथ जाना है, शरीर के साथ जाना है। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर के राज्य में मांस और लहू प्रवेश नहीं कर सकते। मांस और लहू मतलब शरीर, शरीर यानी कि मिट्टी। हमारे शरीर को पता है, हमारे शरीर को पता है कि हमारा शरीर का भविष्य क्या है। मेरे शरीर को पता है 10 साल बाद झुरिया आएगी, 20 साल बाद शरीर और कम होएगा, 30 साल बाद और कमजोर होएगा। मेरे शरीर को मेरा भविष्य पता है, मेरे शरीर को उसका भविष्य पता है, उसका फ्यूचर पता है, लेकिन आपको नहीं पता। शरीर शरीर की लालसा करेगा। शरीर किससे खुश होता है, किससे खुश होएगा? शरीर शरीर से खुश होगा, रोटी से खुश होगा, भोजन से खुश होगा। शरीर को कहो व्यायाम करे, शरीर खुश नहीं होगा, होगा? शरीर को कहो कि तू 500 मीटर भाग गया, नहीं भागेगा। शरीर को कहो ये करो, नहीं होगा। अच्छा मुझे बताओ, लोग कामचोर क्यों होते हैं, क्यों होते हैं कामचोर? किसी की आत्मा कामचोर नहीं होती, शरीर कामचोर होता है। किसने कितना अपने शरीर पे जय पा लिया इससे पता लगता है। जो व्यक्ति कामचोर है, आप उस व्यक्ति को इतना समझ जाओ कि व्यक्ति कामचोर इसलिए है क्योंकि इसने अपने शारीरिक बातों पर जय नहीं पाई। हाँ जी, सुनने वाली बात है और सीखने वाली बात भी है। कामचोर वॉलंटियर सुने, जो काम से छिपते हैं, इधर उधर घुस जाते हैं। क्यों शरीर क्यों कामचोर है? कोई मान लो कोई व्यक्ति कामचोर है, हम उसे नाप देते हैं 50%, 80%, 20%। मान लो ये 20% कामचोर है, ये 50% कामचोर है, ये 80% कामचोर है, मान लो ये 100% कामचोर है। अब ये 20% है, बंदा ठीक है भाई, 80% कामचोरी नहीं करता। कारण क्या है कि इसने अपने 80% शारीरिक बातों पर पवित्र आत्मा के द्वारा जय पाई है। 80% इसने अपनी शारीरिक बातों पर, इसे कोई फिल्म दिखती है ये अपना मुंह फेर लेता है, इसे कोई गंदी पिक्चर दिखती है अपना मुंह फेर लेता है, इसे कोई चुगली करने वाला बंदा मिलता है फेर लेता है, लेकिन 20% जरूर देखता है। ये 50% ऐसी है, ये 80% ऐसा है, ये 100% ऐसा है। जो जितना ज्यादा कामचोर है, जो जितना ज्यादा शारीरिक बातों पर है, आप समझ लो उसका आत्मिक जीवन उतना ज्यादा डाउन है, उसकी प्रेयर्स उतनी ज्यादा डाउन है, उसके अंदर वचन की कमी है। घुसा नहीं सुना था, घुसा नहीं सुना था, लेकिन रख नहीं पाया अंदर। ओ! आप गीत गाए प्रभु यीशु
मुझे अपने जैसा बना। हालेलुया। कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा? जितने आप शारीरिक हैं उतना अपने आप को तोड़ना पड़ेगा आपको। आपकी आंखें आपसे पाप कराती है, आपकी आंखें स्त्रियों की तरफ जाती है, पुरुषों की तरफ जाती है, नहीं चाहते फिर भी जाती है। अपनी आंखों का इलाज कराओ। समझ आ रही मेरी बात? वही प्रॉब्लम। जिंदा हो? कितने लोग शरीर में जिंदा है अभी? शरीर वाले बता दो बस, आत्मा वाले मत बता। शरीर में कितने लोग जिंदा है? सब जिंदा है? अरे मौत थोड़ी है, हाथों को हिला के दिखाओ। सब शरीर में जिंदा है? कोई ऐसा तो नहीं इसकी सांस रुकी हो यहां? कोई मरा हुआ तो नहीं है? बड़ा मुश्किल है परमेश्वर की इच्छा को जानना और इच्छा के अनुसार चलना। शरीर में अगर आप हैं तो ये चीज समझ लो, जो आपकी आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा है, आपके शरीर को कब्जे में जब तक नहीं लेगी आप पाप में पड़े रहोगे। और चाहे बपतिस्मा ले लो, वो रखा, वो वहां पर टैंक बना रखा है बपतिस्मा, चाहे हर संडे आगे बपतिस्मा ले लो भाई, और चाहे खुद डूबते रहो, आपको नहीं मिलना छुटकारा। कारण क्या है? आपने अपने शरीर का इलाज नहीं कराया, आपने अपने शरीर का इलाज नहीं कराया। आपने ताली बजानी सीख ली, हालेलुया बोलना सीख लिया, पास्टर ने ट्रेंड कर दिया आपको, ऐसा दे पास्टर का भी बड़ा जजमेंट होने वाली है। पास्टरों ने आमीन बोलना सिखा दिया, हालेलुया बोलना सिखा दिया, लेकिन शरीर की बातों को नष्ट कैसे करा जाए? जो नष्ट कर रहा है वो परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है, सिद्ध इच्छा में चल रहा है। आज का प्रचार आपको परमेश्वर के निकट लेके जाएगा, दूर नहीं लेके जाएगा। बस अपने हृदय को मुलायम करके बैठो, कठोर करके मत बैठना, क्योंकि कठोर जिसने कर लिया उसको सुनेगा नहीं कुछ भी। हो सकता है आप में कोई ये सोच रहा हूं कितनी देर में खत्म होगा, मैं निकलूं सड़कूं, उसके लिए एक शब्द है मेरा, आप वेट मत करो, आप जाओ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के लिए भूखे हैं, आत्मा में भूखे हैं। आमीन छोटा मेरा। तो शरीर जो जितना ज्यादा बंदा बिगड़ा हुआ है, जो जितना ज्यादा पाप में है, उस पर दया करी जाए। कोई बोले दया करी जाए? क्यों दया करी जाए? वो तो पाप में है। प्रभु यीशु मसीह के पास जब मरियम आई, वो एक व्यभिचारिणी थी, लेकिन वो तौबा कर रही थी और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। जो जितना ज्यादा परमेश्वर से दूर है, इसका मतलब उसने अपनी आत्मा पर उतनी ज्यादा जय नहीं पाई। आपको हर दिन अपनी आत्मा पर, अपने शरीर पर जय पानी है पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको हर दिन अपनी शारीरिक बातों को नष्ट करना है। यीशु मसीह सिद्ध कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? क्रूस पर मर के। आपको क्रूस बना के अपने हाथों में किले ठुकवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने हाथों के कामों को जो परमेश्वर के अनुसार ठीक नहीं है, उस पर कील लगाने की जरूरत है। आपको अपने पैरों में कील लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके पांव में कील लगे कि आप उन मार्गों पे ना जाओ जो मार्ग आपको विचार में लेके जाते हैं, पाप में लेके जाते हैं, बुराई में लेके जाते हैं, गलत मार्ग पे लेके जाते हैं, कलीसिया सेवकाई और परमेश्वर की इच्छा से दूर लेके जाते हैं। कैसे चलना है आपको? प्रभु यीशु तेरे समान चल सकूं, तेरे जैसा दिख सकूं, कितना सोना गाना है, कितना अच्छा गाना है, लेकिन अपने जीवन में कितना लागू करें, कितना लागू करें। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, दो बातें, पहला आपकी इच्छा, फिर परमेश्वर की इच्छा। आप अपनी इच्छा परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, परमेश्वर का दो भाई इसको दे दो, इसको मांग रहा है ना, क्योंकि मैंने कहा मांगो तो मिलेगा। परमेश्वर मेरा विवाह कराओ भाई, बच्चे हो दे दो भाई, पैसा दे दो भाई, नौकरी दे दो भाई। लेकिन आप एक बात गलत इस चीज में भूल जाते हो कि परमेश्वर भी तो आपसे कुछ चाहता है, परमेश्वर भी आपसे कुछ चाहता है। बाइबल बताती है
मरकुस की किताब आप लोग निकालें। दस अध्याय और उसका 35 वचन। मरकुस की किताब 10 अध्याय 35 वचन। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यहूना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। 36 उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? 37 उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिनी ओर दूसरा तेरे बाईं ओर बैठ जाए। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो? 39 उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है? यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ किसी को अपने दाहिनी और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। यीशु मसीह के पास दो लड़के आए, दोनों भाई दे सके, और यीशु मसीह को कह रहे हैं कि प्रभु, जब तू अपनी महिमा में आए तो एक तेरे दाहिनी ओर बैठ जाए, एक तेरे बाईनी ओर बैठ जाए। क्या कह रहे हैं? जब तू अपनी महिमा में आए, कोई बोले महिमा में आए। महिमा में इंसान कब आ सकता है? क्या आप परमेश्वर की महिमा में आए हो? समझना पड़ेगा, ये बड़ी भेद की बात है। अपने पड़ोसी को बोलो, भेद की बात है, यह बड़ी भेद की बात है कि कोई परमेश्वर की महिमा में है कि नहीं है। महिमा यानी कि ग्लोरी, महिमा यानी परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। मूसा परमेश्वर को देखने के लिए पर्वत पर चढ़ गया। हालेलुया। मूसा परमेश्वर को देखने के लिए पर्वत पर चढ़ गया। उसे पता था इस पहाड़ी पर जो जाएगा वो कभी वापस नहीं आता, इस पहाड़ी पर जो जाता है वो वापस नहीं आता। मूसा बोला कि मुझे मौत की नहीं है परवाह, मुझे जिंदा खुदा को देखना है। बोला, मुझे मौत की नहीं है परवाह, मुझे जिंदा खुदा को देखना है। मुझे पता है परमेश्वर यहाँ रहता है। वो लाठी लेकर ओ पहाड़ी पर चढ़ गया, परमेश्वर की आवाज को सुना, मूसा इस स्थान में मैं मौजूद हूं, और उसने परमेश्वर के चेहरे को देखा और भय खा गया। जब पहाड़ी से उतरा मूसा मूसा नहीं था। खबर ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, फिर बताऊंगा। मूसा मूसा नहीं था, मूसा मूसा नहीं था। मूसा के ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी आ चुकी थी, मूसा के ऊपर परमेश्वर का महिमा बैठा था, मूसा के ऊपर परमेश्वर का महिमा बैठा था। अपनी औरत से कौन चेहरा छिपाएगा? मूसा की औरत उसकी तरफ देख रही है, तो मूसा की औरत उसकी तरफ देख नहीं पाई। मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी, उसने अपना चेहरा ढक लिया। मूसा को बोली, जाके ढक ले चेहरा अपना। हालेलुया। अब बात करें, आप परमेश्वर की इच्छा में, जब परमेश्वर की इच्छा में होंगे लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे, लोग आपसे आंखें नहीं मिला पाएंगे। परमेश्वर की महिमा में होंगे आप, जहां खड़े होंगे परमेश्वर के लिए चमकने लग जाएंगे। यीशु मसीह के आज मैं आपको बता रहा हूं कैसे परमेश्वर की इच्छा में चलना है, और प्रूफ क्या है, सबूत क्या है जो परमेश्वर की इच्छा में है। आजकल बहुत बनावटी मसीह है,
फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक, गूगल तक, कहीं तक ढूंढ लो, दुनिया भर के आमीन बोलने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाला कौन है? जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, सबूत क्या है? सबूत ये है कि उस पर परमेश्वर की महिमा होगी, उसकी बातों में परमेश्वर की महिमा होगी, उसके कामों में परमेश्वर की महिमा होगी, और उसके मुंह में तंबाकू गुटखा नहीं, उसके मुंह में परमेश्वर के शब्द होंगे, उसकी बातों से लोगों का जीवन बदलेगा, उसकी संगति करने से लोग परमेश्वर के निकट आएंगे, उसको देखने से लोग परमेश्वर से प्यार करने लगेंगे, उसकी बातों को सुनने समझने से हालेलुया परमेश्वर की इच्छा पर लोग जानेंगे। ऐसे लोगों को अपने जीवन में शामिल करो जो लोग परमेश्वर की महिमा से भरे हैं। फिर देखना, जब शामिल करने लगोगे ना, फिर आपके आपके जीवन से लोगों की लिस्ट ही उड़ जाएगी, मिलेगा ही नहीं, बंदा ही नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। और एक आधा अगर रह जाता है, थाम लो हाथ उनका, चलो उनके साथ, निश्चित रूप से आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की इच्छा में कैसे हम पता कैसे लगे कौन इच्छा में है? परमेश्वर की बाइबल में लिखा है कि उन्होंने कहा, जब तू अपनी महिमा में बैठे आए, मैं तेरे दाहिनी ओर, मैं तेरे बाईं ओर। आपको पता है, मेरे पास जो जिस व्यक्ति को भी मैं रखता हूं, ज्यादा दिन नहीं रखता, कोई भी व्यक्ति हो, ज्यादा दिन मेरे पास तो रह नहीं सकता कोई, क्योंकि वही लंबे समय तक मेरे साथ रह सकता है जो मेरी ग्लोरी को समझ सके, जो जो खुदावन ने दी है, वो उस सम्मत को समझ सके, उसमें पार्टेक कर सके। जिसको समझ नहीं आती वो भाग लेता है। आपको इस बात को समझना होगा कि मूसा के चेहरे से किरणें क्यों निकल रही थी। आपको ये बात समझनी होगी कि अब्राहम ने अपने बेटे को क्यों कुर्बान होने के लिए दे दिया। ऐसा कौन सा अब्राहम को प्यार हो गया था परमेश्वर से जो अपना बेटा भी देने लगा। आपको समझने होगी आज ये बात कि पौलुस जो एक रोमी था, एक शास्त्री था, एक कबड्डी करने वाला, एक कुश्ती करने वाला, तगड़े शरीर का, धन दौलत जिसके पास थी, अधिकार जिसके पास थे, विद्या जिसके पास थी, नॉलेज जिसके पास थी, राजा जिसकी बात मानता था, उसे क्या था परवाह, वो जो घोड़ों पे जा रहा था और प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखकर गिर गया, अंधा हो गया 3 दिन, और यीशु मसीह की परवाह, ओ प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को करने लगा, लोगों की परवाह नहीं करी। ऐसी कौन सी सनक लगी उसको? ये महिमा परमेश्वर की आई है, परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में आई है। सर आप कह रहे हैं, मैं तो साधारण दो व्यक्ति हूं यार, मैं क्या करता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हेलो, परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, और वो तेरे ही समान लोग थे। परमेश्वर तेरे जीवन में भी कुछ करना चाहता है, लेकिन फर्क इतना ही है, तेरा समर्पण 0 है, और उन्होंने अपनी औलादे, उन्होंने अपना धन, उन्होंने अपना जीवन, उन्होंने अपना शरीर, उन्होंने अपना पूरी लाइफ परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस कर दी। परमेश्वर ने खुश होकर अपनी महिमा पर, क्या फर्क है सिद्ध लोगों में और आप लोगों में? सिद्ध लोगों में और आप में क्या फर्क है? जवान लड़के लड़कियां सुने, आपको एक गर्लफ्रेंड चाहिए, आपको दो गर्लफ्रेंड चाहिए, आपको मोटरसाइकिल चाहिए, आपको ये दोस्ती चाहिए, आपको वो दोस्त चाहिए। आप कहे ये तो बूढ़ों का काम है परमेश्वर को मानना। मूर्ख व्यक्ति, सुने मेरी बात ध्यान से, बूढ़ों का काम नहीं है परमेश्वर को मारना, परमेश्वर को महिमा देना। स्टीफन, दाऊद परमेश्वर से प्यार करते थे, सैमुअल परमेश्वर से प्यार करते थे, जिनकी उम्र 16 साल, 14 साल, 12 साल, 18 साल। स्टीफन परमेश्वर के लिए मर गया था। बहुत लोग कहते हैं, अरे परमेश्वर का नाम लेना है, पहले रिटायर हो जाओ, फिर रब का नाम लेना, पहले सारी जिम्मेवारियां निभा लो।